वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिंह। यहाँ पर नेशनल वुमेन सॉकर लीग का मैच हो रहा है बे एफसी वर्सेस सैन डिएगो वेव एफसी के बीच 8 बजे। एंड बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रही, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, तो देखो ऐसा है कि बे एफसी एंड सैन डिएगो दोनों टीम्स काफ़ी मेरे को डिसेंट लगी, लेकिन मैंने जितने इनके मैचेज अभी देखे हैं तो मेरे को ना थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मेरे को सैन डिएगो भी वीक लग रही है और बे एफसी भी। मतलब इन दोनों का पहले भी कोई मैच अब तक हुआ नहीं, ये इनका अब तक का लाइफ का पहला मैच है, तो ये एक दूसरे को पहली बार फेस कर रही हैं, तो इसलिए रिकॉर्ड तो छोड़ो, हेड टू हेड रिकॉर्ड तो अवेलेबल है ही नहीं क्योंकि हेड टू हेड मैच ही नहीं हुआ। तो ऐसा है कि इस मैच में आपको डबल साइड टीम चलेगी, लेकिन आप 6-5 का कॉम्बिनेशन के बजाय 7-4 भी दे सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस फेवर मैं आपको बता देता हूँ, बे एफ सी को आप रखो 70% फेवर, 30% एस डी डब्ल्यू को। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर मैं वेट कर रहा था कब ओशाला खेले। देखिए ए ओशाला खेलेगी और अगर इनकी टीम में और मेन प्लेयर्स खेलेंगे तो कुछ इस टीम का बन पाएगा, क्योंकि मैं इस टीम को वीक नहीं कह रहा हूँ, इस टीम में प्लेयर बहुत हैं लेकिन ये लोग खिलाते नहीं हैं। अगर ये आज से प्लेयर को कंटिन्यू खिलाएं तो आपको क्या लगता है कि गोल नहीं आएंगे? आप सब जानते हो ए ओशाला ने कितने सीज़न पेरिस सेंट जर्मन में बिताए हैं, आज वो अगर यहाँ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी फॉर्म चली जाएगी। भाई वो करेगी अच्छा तो मैं तो उसको भी लूँगा, नहीं खेलेगी भाई वो इसकी हेडेक है, फिर तो निकालना पड़ेगा, फिर क्या कर सकता हूँ भाई मैं भी। और आगे से अगर बात करें, वो नहीं खेली तो ये तो पक्का खेलेगी, रैचल के पास तो और कोई जगह भी नहीं है, रैचल कन्फर्म खेलेगी। और अपोजिशन टीम की बात करें तो जे शॉ एंड वन अनदर प्लेयर के कैरुसा, ये दोनों में से एक ना एक गोल करती ही करती हैं। वैसे मैं कैरुसा को छोड़ के लास्ट मैच में भी रिस्क लिया था, लेकिन आज मैं दोबारा लूँगा बिकॉज जे शॉ इज़ अ पेनल्टी टेकर। कल को भाई पेनल्टी आ गई और एक पेनल्टी के कारण अगर हम एक गेम हार गए तो भाई बहुत बुरा लगेगा। एंड मिड फील्डिंग की बात करें, टी बॉर्ड और कैस्टलेंसन दोनों टॉप क्लास भाई। बॉर्ड एक बार पीछे हट जाएगी लेकिन कैस्टलेंसन गोल करने से पीछे नहीं हटती, ये गोल में ध्यान देती है और ये असिस्ट में, भाई कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है इन दोनों का। इन दोनों में से एक प्लेयर मिस आपकी गेम गई, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। और ई वैन एगमंड को यहाँ पर जरूर लेना है तो बड़े लेवल की प्लेयर भले ही नहीं चल रही। और बाकी मेरे को एस मैक्सिल से कुछ एक्सपेक्टेशन है नहीं, मेरे को एम सेंचेस ठीक लग रही थी, पिछले मैच में मारिया सेंचेस ने अच्छा भी खेला, विदाउट गोल अगर पॉइंट दे रही है तो भाई फ़ायदा तो लेना चाहिए हम लोगों को। एंड डिफेंडिंग सेक्शन की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक शार्पलेस, उसके बाद एस किंग और एक आपकी प्लेयर है मैंगस। मैंगस कर रही है थर्ड डिफेंडिंग तो फ़ायदा तो देने से रही, तो आप ऐसा करो फोर्थ डिफेंडिंग में अगर जे बैटी खेले तो ले लेना, जो भी खेले भले वो मौरियो हो कोई भी हो, लेकिन आपको डिफेंडर्स पे जोर देना है ओनली बिकॉज ऑफ बी एफ सी की डिफेंडिंग अच्छी है। और बात करें गोल कीपिंग की, के शेरिडन अच्छा खेलती है और शेरिडन एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये एक प्लेयर की जगह पर आई है जिसका नाम है एल प्रोक्स, तो आप समझदार हो कि क्यों भेजा है एक्सपीरियंस के तौर पे। यही अगर ये कोई यंगस्टर होती तो शायद ये अभी बैठी होती ड्रॉप आउट पे। एंड बात करें कैप्टन की, तो को लोगों की कैप्टन जो मर्जी हो, हमें अपना देखना है, वी हैव टू मेक कैप्टन ओशाला और वाइस कैप्टन डी कैस्टलेंसन। एंड दिस इज़ माई टीम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।